जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवान शिव के भक्तों की कथाएं अनंत हैं, अनंत है उनकी कृपा, अनंत है उनके गण और अनंत है उनकी लीलाएं। मेरा प्रयास रहता है आपके लिए भगवान शिव की अनसुनी और दुर्लभ कथाएं लाने का। आज कथा है अमर नीति नामक बनिए की, जिसे भगवान की परीक्षा के पश्चात भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। श्रावण मास में शिव भक्तों की कथाओं का आनंद लीजिए और महादेव के चरणों में प्रेम बढ़ाइए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा है शिव भक्त विलास के 23वें अध्याय से अमर नीति का चरित्र। महर्षि अगस्त जी बोले कि पुराण सरित नगर में अमर नीति नाम का एक बनिया रहता था। शंकर भक्त उस सेठ ने उत्तरपुर नामक शिव क्षेत्र में शैव भक्तों के लिए और ब्राह्मणों के लिए अलग अलग धर्मशालाएं बनवा दी थी और रोज वो शिव भक्तों को अन्न, दूध, घी, निर्मल वस्त्र, ब्रह्मचारियों को लंगोट, सन्यासियों को कंथा इत्यादि वगैरह नित्य दान करता था। गरीब ग्रस्तों को उन्होंने मकान भी बनवा कर दिए थे। इस प्रकार शिव भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हुए उसके 32 वर्ष बीत गए। परमेश्वर ने उसकी भक्ति का परीक्षण करने का विचार किया। वे ब्रह्मचारी का एक बटुक का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। भगवान की जटा ब्रह्मचारी की चोटी बन गई, चंद्रकला उनका भस्म का त्रिपुंड हो गया, तीसरा नेत्र भस्म का टीका हो गया, गंगा जी यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बनी, धनुष बन गया पलाश की छड़ी, नाग हो गया पवित्र कुश। स्वयं माया ब्रह्मचारी उन बटुक बने शिव की लंगोट बनी और आकाश उनका भिक्षा पात्र बन गया। इस प्रकार मंद मंद मुस्काते हुए शिव भेष बदलकर अमर नीति के घर की ओर चल पड़े। अमर नीति ने उन्हें देखा तो उनके तेज से वो आकर्षित हो गया। वो तुरंत उठ खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे बटुक, आपका स्वागत है, आप अभी यहीं बैठिए, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, मैं आपका अतिथि सत्कार करना चाहता हूं, कृपा मेरा निवेदन स्वीकार करिए। माया से बटुक बने भगवान शिव ने जवाब दिया, क्या तुम ही अमर नीति हो? तुम्हारे यश का मैंने बहुत बखान सुना है। तुमने शिव भक्तों की अर्चना के लिए ही अपनी पुण्य संपत्ति कमा रखी है। मैं पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हूं, इसलिए एक ही ग्रस्त के घर से अन्न लेकर खाना खाना मेरे लिए उचित नहीं है। मांग मांग कर इधर उधर से खाना ही उचित है। तुम आए हुए शिव भक्तों को अन्नदान दो, इसी से मैं प्रसन्न हूं। जब तक बारिश हो रही है तब तक यहीं रुकता हूं। दोपहर का समय बीत रहा है, बारिश और तेज हो रही है। अमर नीति ने फिर से उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन किया तो उन बटुक मने शिव ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उन्होंने कहा कि मैं नहाकर और पूजा इत्यादि कर्म करके आपके घर लौटता हूं, तब तक आप मेरा ये लंगोट संभाल कर रखिए। अमर नीति ने लंगोट लेकर रख लिया। वो ब्रह्मचारी बने शिव पलाश की छड़ी लेकर चल पड़े और नदी की ओर बढ़ गए। अमर नीति घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से शिव की पूजा प्रारंभ कर लो। अमर नीति ने भीतर जाकर लंगोट संभाल कर रख दिया। जब तक वो पूजा करके उठा तब तक वो बटुक बने शिव भी उसके घर लौट आए। वो सिर से पैर तक भीगे हुए थे और सर्दी से कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी वापिस आकर कहा कि अमर नीति बहुत ठंड लग रही है, मेरा लंगोट दो। अमर नीति जब लंगोट लेने गया तो जहां रखा था उसे वो वहां नहीं मिला। बहुत ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं मिला। तब वो बाहर आकर बोला कि जहां रस्सी पर सुखाया था, जहां रस्सी पर टांगा था, वहां लंगोट दिख नहीं रहा है, कोई आया भी नहीं। मुझे भी बहुत अचरज हो रहा है, लगता है कोई माया का खेल है, आप दूसरा लंगोट ले लीजिए। माया से बटुक बने हुए शिव ने क्रोध करके कहा, कोई और लंगोट ग्रहण नहीं करूंगा अमर नीति, वही दो, मैं तो अनजान में ही यहां फंसा, मुझ जैसा ब्रह्मचारी दूसरे का लंगोट छू भी नहीं सकता। जब तक वो लंगोट नहीं लाते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस लंगोट की प्राप्ति की कथा तुम सुनो। पर्वतराज हिमालय पर आच्छोद तीर्थ है, वहां जल में रहकर 12 साल तक मैंने त्रिभुवनेश्वरी देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा दृष्टि डालकर बोली थी कि उठ किनारे आ, तुझे सभी विद्याएं प्राप्त हो जाएं, तू ठंड से पीड़ित है, योगियों को भी दुर्लभ
ये लंगोट ग्रहण कर। ये कहकर उन्होंने वो कपड़ा फाड़कर मुझे कोपिन अर्थात लंगोट दे दिया। उसी के दो टुकड़े करके मैं सुबह शाम पहन लेता हूँ और उसे धारण करके ही मैं सब विद्याओं को प्राप्त कर पाया हूँ। उस लंगोट को नष्ट करके तू मेरे विद्या रूपी ऐश्वर्य को चुराने वाला बन गया है। तू शिष्ट बना हुआ इस वेश में मुझ जैसों को ठगने के लिए घूम रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं? भगवती सरस्वती मुझ पर नाराज होंगी। मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं अमरनीति, राजा के सामने कराऊंगा। मेरा लंगोट नहीं दिया तो तुझे दंड मिलेगा। अमरनीति गिड़गिड़ाया और बोला कि मेरे पास एक और मूल्यवान कपड़ा है जिसे किसी दूसरे ने अब तक छुआ भी नहीं है, वो मैं आपको दे देता हूं, ले लीजिए, मुझ पर कृपा करिए। यह कहकर वो बटुक के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मचारी बटुक भूखा रहेगा, इसलिए इस बात को सोचकर अमरनीति बहुत डर गया था। किंतु बटुक बने शिव ने वो कपड़ा नहीं लिया, बल्कि कठोर वचन बोलते रहे और लोग भी इकट्ठे हो गए। सभी उस बटुक की बात पर और उसके गर्व पर हंस रहे थे। उन्होंने पूछा, आप हैं कौन? उन ब्रह्मचारी बटुक ने उत्तर दिया कि शिव, मेरे माता पिता बंधु कोई नहीं है, न मेरा कोई घर है, मैं ब्रह्मचारी हूं, भिक्षा मांगकर खाता हूं। अमरनीति ने मुझे मार डाला, मेरा सारा तप नष्ट हो गया, मेरा मन बहुत दुखी है। अरे अमरनीति, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा, तेरी आयु बढ़ेगी, हंसी छोड़ दे, मजाक छोड़ दे, मेरा लंगोट वापिस दे दे। अमरनीति ने फिर कहा कि उसके तुल्य दूसरा लंगोट दे सकता हूं। ब्रह्मचारी बटुक ने बोला, सबके सामने तूने कहा है कि तुल्य देगा, तुल्य अर्थात समान, और तुल्य होता है तोल में भी समान। ठीक है, मेरी कोपिन के तुल्य देगा तो मैं ले लूंगा। सभी लोगों ने वहां इस बात का समर्थन भी किया। ब्रह्मचारी बटुक ने कहा, मैंने जो ये लंगोट पहन रखा है उसके तुल्य लंगोट मुझे दे। एक तराजू लेकर आओ, सभी लोग इसके साक्षी बने। अमरनीति तुरंत तराजू ले आया। बटुक नग्न हो गए और उस लंगोट को एक पलड़े पर रख दिया जो उन्होंने पहन रखा था। अमरनीति ने दूसरे पलड़े पर नया लंगोट रख दिया, लेकिन वो बटुक के लंगोट के बराबर नहीं हुआ। उसने और भी कपड़ा डाला, लेकिन पलड़े बराबर नहीं हुए। हजारों कपड़े तराजू पर इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी की लंगोटी ही भारी रही। सभी लोग चौंक गए, अमरनीति को भी बहुत विस्मय हुआ। अब वो समझ गया कि ये कोई साधारण बटुक नहीं है। अमरनीति ने उन बटुक की परिक्रमा करी और उन्हें दंडवत प्रणाम करके वो अपनी पत्नी और बेटे के सहित पलड़े पर बैठ गया। तब जाकर दोनों पलड़े बराबर हुए। अमरनीति की इस निष्ठा को देखकर देवताओं ने फूल बरसाए। वो बटुक प्रसन्न हो गए और नंदी पर विराजमान होकर अमरनीति को दर्शन दिया और अमरनीति को मोक्ष का प्रसाद देकर कैलाश शिखर को लौट गए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।